टोनी कक्कड़ भैया हमें कभी भी निराश नहीं कर सकते निराश करने के मामले में, और कोई मजाल है कोई टोनी कक्कड़ भैया से ज्यादा बेटर गंदे लिरिक्स लिख सकता है? ना ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक ऐसा इंसान है जो एक वर्ड से पूरा सॉन्ग लिख देता है यार, इससे ज्यादा और टैलेंट क्या चाहिए? अच्छे खासे मूड की बैंड कैसे बजानी है, बस टोनी कक्कड़ भैया का सॉन्ग चला दो, अपने आप काम हो जाएगा। मैंने बस के अंदर जहां पर बहुत सारी सवारियां बैठी हुई थी, बस गलती से क्या यार, मैंने सॉन्ग आया है इस सॉन्ग को सुनने की इच्छा थी मेरे अंदर, और मैंने वहां पर यह सॉन्ग चला दिया। वहां जितनी भी सवारियां थी उनके जैसे 12 बज गए, और उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया जैसे कि भाई मैंने उनके चैन छीन लिया, और कुछ तो लोग यार हंसने लग गए यार। और क्यों ना प्रभाव पड़े भैया, इतने बढ़िया लिरिक्स लिखे गए हैं, उइमा 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 पता नहीं वो कितनी बार है उइमा भाई, उसको कितने सुर से गाया गया, कितनी मेहनत लगती है यार वो लिरिक्स लिखने में, उसको गाने में कितने डीप लिरिक्स हैं यार, घर के नीचे नीचे नीचे, घर के पीछे पीछे पीछे, वाह यार बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए। और काबिलियत तारीफ है उन लोगों की भी जो इस तरीके का सॉन्ग लिखकर उनको ये कह देते हैं वाह यार तूने क्या गाया है और क्या लिखा है। और सच में वाहियात सोचने के लिए बहुत मेहनत चाहिए, और टोनी कक्कड़ भैया ने वो चीज हमेशा हमें करके दिखाई है। इतने वाहियात वाहियात हमारे सामने सॉन्ग और इतने वाहियात वाहियात लिरिक्स लिखे हैं कि यार उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई अच्छा कलाकार होता है जब भी उसे गाना लाना होता है तो उसके ऊपर बहुत वो मेहनत करता है, और जब जाके उसका गाना हम सुनते हैं और हमें बहुत ज्यादा वो अच्छा लगता है। लेकिन टोनी भैया ने कभी भी मेहनत की नहीं है, ऐसा पता चलता है उनके जितने भी सॉन्ग्स आए हैं उनको देखकर उनको सुनकर। अगर टोनी कक्कड़ भैया अपनी बहन के नाम से ऊपर ना गए होते, अगर उन्होंने खुद अपने दम पे चीजें स्टार्ट की होती, तो मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरीके के सॉन्ग गा रहे हैं उनको इतनी पॉपुलैरिटी मिल पाती, बिल्कुल भी नहीं, वो जहां थे वहीं के वहीं रह जाते। और अगर टोनी कक्कड़ भैया ने अपने कमेंट सेक्शन जहां उन्होंने गाना अपलोड किया है जिस भी चैनल के ऊपर, वहां अगर कमेंट सेक्शन उन्होंने ओपन करके देखा, लोगों की बात सुनी होती, तो शायद अपने गाने में अब तक सुधार कर लिया होता या फिर गाना ही बंद कर दिया होता। और कमाल की बात, देखो यार ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, इस दुनिया के अंदर, जो इस तरीके के गाने को लाइक करते हैं यार। इतने ज्यादा मंदबुद्धि लोग भरे पड़े इस दुनिया में। अब आप यही सोचोगे यार तुझे इतना गाना पसंद नहीं है तो काहे को सुना? मैंने सुना नहीं, मुझे सुनाया गया, ट्रेंडिंग में आ रहा था यार, यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में इतने वाहियात सॉन्ग आ रहे हैं, कमाल की बात है। थोड़ा बहुत तो मेहनत कर लो, थोड़े जो लोग इन जैसों को गाने को सपोर्ट करते हैं वो सोच समझ के कर लिया करो यार। और टोनी कक्कड़ भैया की हमेशा एक ट्रिक रही है अपने सॉन्ग को, उनको पता है नहीं चलने वाला, भाई सब किसी को लाना पड़ता है इस सॉन्ग को खींचने के लिए। इस बार अपनी बहन को और यो यो हनी सिंह को अपने साथ लेकर आए, इनकी हमेशा से ये ट्रिक ही रही है, क्योंकि पता है पहले छपरी लोग आया करते थे इनके सॉन्ग में, वो कौन थे रियाज, मतलब जितने भी जो छपरी आके इनके सॉन्ग में गए हैं तो इनके फैन, अरे ये मैं इसको जानता हूं, मैं इसका फैन हूं, इस तरीके के जैसे मेंटेलिटी रहेगी तो भाई साहब बेड़ा ही गर्क होने वाला है युवाओं का। देखो यार टोनी कक्कड़ भैया से जैसी उम्मीद थी वैसा उन्होंने किया है, मतलब जैसा घटिया उनसे उम्मीदें होती है ना कि घटिया गाएगा, उन्होंने वो घटिया ही हमारे सामने रिप्रेजेंट किया। लेकिन यो यो हनी सिंह यार जिनसे इतनी उम्मीद थी, रैप अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रैप खराब है, रैप आज काफी अच्छा है, लेकिन वो कैसे आ रहे हैं यार इनके साथ, कमाल है यार, इतने बढ़िया रैपर और ऐसे मतलब टोनी कक्कड़ भैया के साथ कोलैब करते फिर रहे हैं। और सीरियसली इस गाने को आप पब्लिक में तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, अरे पब्लिक छोड़ो यार, खुद भी नहीं सुन सकते उसको अकेले बैठकर, मतलब एक तो उस सॉन्ग पे हंसी आएगी और एक कहीं ना कहीं आप इससे इरिटेट हो जाओगे। तो ये सॉन्ग है, इस तरीके के सॉन्ग आ रहे हैं और सॉन्ग को हिट माना जाता है उसके व्यूज से। देखो मैंने एक बात पहले भी कही थी, दिलजीत दोसांझ सर ने यह बात बोली थी, मैंने उनकी बात को दोहराया था अपनी वीडियो के अंदर, और आज फिर से वो एक बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि आज की डेट में कोई सॉन्ग हिट है या फ्लॉप है वो कैसे आंका जाता है, उसके ऊपर व्यूज कितने आए हैं उसके द्वारा। लेकिन व्यूज से ही गाना हिट हो जाए ये जरूरी नहीं होता है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अब तो कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन टोनी कक्कड़ भैया की पता नहीं कब वैक्सीन आएगी और शायद हम कब इस चीज से छुटकारा हमें मिल पाएगा, वो तो आने वाले टाइम ही देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।